जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एफपीएससी में जो एसएसटी की जॉब 917 स्केल की, इसकी टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से आज लेक्चर नंबर 12 हमारा होगा। आज चूंकि हमारा ये टॉपिक जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ के वाले से कवर होने लगा है, आपको पता है जब भी हम कोई टॉपिक कम्प्लीट करते हैं तो उसके एंड पे उसके की पॉइंट्स लिख देते हैं। आपको मैंने बताया हुआ है कि ये जो आप सारी मैंने डिटेल्स आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सारी डिटेल आपने अपने इंटरव्यू के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए या अपने डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए आपने तैयार करना है, जो जो जो, जो प्रिंसिपल या हेडमिस्ट्रेस की तैयारी कर रहे हैं 18वें या 19वें स्केल की। 17 स्केल वाले जो बच्चे हैं उन्होंने जनाब जो अपने टेस्ट के लिए ये सारी डिटेल याद नहीं करनी। मैंने आपको पहले भी बताया डिटेल के लिए, आपको पता है जब भी मेरा कोई टॉपिक कंप्लीट होता है उसके एंड में मैं की पॉइंट्स आपको दे देता हूं, ठीक है जी। तो आज भी मैंने आपके की पॉइंट्स इसमें ऐड कर दिए हैं। जितनी भी हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज पढ़ी है ना, नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 से लेकर और आज हमने आखिरी जो पढ़ी है वो है जब आपके पास 2009 की पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009, ठीक है, 2009 तक, ये मेरे तकरीबन 40 पॉइंट्स बनते हैं। आप अगर ये सिर्फ 40 पॉइंट्स ही कर लेते हैं तो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट है, कवर है, इंशाल्लाह ताला मैं आपको गारंटी करता हूँ यहाँ से बाहर आपका पेपर नहीं बनेगा। बाकी चीज़ें जो है ना वो आप अगर अभी छोड़ भी दें तो जब आपका पेपर क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए टाइम मिल जाएगा तो उसके बाद भी आप ये चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ कि आप ऐसे ना हो कि आप ये सारा सिलेबस देख के डर के भाग ही जाएँ और आप जो है ना डिसहार्ट होकर बैठ जाएंगे जनाब ये तो मुझे होगा नहीं और मैं पेपर ही छोड़ देता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह ताला आपको थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट गाइड करके आपको पेपर पास आपका करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। और साथ आपको पता है कि हमारे पास 20% इंग्लिश का भी पोर्शन है। मैंने कल आपको बताया था कि अब हमने इंग्लिश को भी साथ लेकर चलना है। 80% हमारे पास पैडागोजी जो मेजर पार्ट है वो तो हम कर ही रहे हैं साथ साथ, तो हम इंग्लिश को भी अब साथ थोड़ा थोड़ा करके लेकर चलेंगे। हम इंग्लिश को स्लोली एंड स्टेडली थोड़ा थोड़ा करके बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में करेंगे और इंग्लिश की ईच एंड एवरी एस्पेक्ट हम इसको तैयार करने की कोशिश करेंगे। जो हमारे पास इंग्लिश के 20 नंबर हैं, 20 में से कम से कम 16-17 मार्क्स हमारा हम ले जाएँ और 80 मार्क्स का जो हमारा पैडागोजी उसमें जो आएगा 60-70 भी अगर आपके पास आ जाए, जो 70-75 की रेंज में आप चले जाएंगे तो आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा और आपकी सिलेक्शन भी हो जाएगी। इसका मेरिट आमतौर पर 60-65 पर यहीं पर रुक जाता है क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है। पैडागोजी बहुत लंबा सब्जेक्ट है और इंग्लिश भी एक बड़ा ही जनाब हैक्टिक सा सब्जेक्ट होता है। तो आपने क्या करना है, इसको आपने जैसे जैसे आपको बताता हूँ डेली रूटीन में आप काम करते जाएँ तो इंशाल्लाह ताला आपका सारा सिलेबस हम कवर करवाएंगे आस्ता आस्ता और इसके हम रिवीजन भी 2-3 दफ़ा करेंगे इसका पेपर आने से पहले। तो आज जो हमने, मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि हमने जो आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ के वाले से मैंने आपको बताया है वो मैंने पढ़ाया आपके पास नेशनल एजुकेशन काउंसिल्स 1947, नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959, फिर पढ़ाया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 वाली, 1972 वाली, 70 वाली नहीं पढ़ाई थी, वो बिल्कुल उसकी ज़रूरत नहीं थी, एक लाइन उसमें पेपर में आती है वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद आपके पास है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1978 वाली, फिर 1992 वाली है, फिर 1998 वाली है, फिर 2009 वाली है। ये सारी आपके पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ के वाले से मैंने पूरा डिटेल जो थ्योरी है वो सारी मैंने ऊपर आपके पास लिखी हुई है, ठीक है। और अब 2009 की जो पॉलिसी है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो आज का मेरा टॉपिक आपको पढ़ाना भी था, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपके पास जो है ना, ये आपके पास डकार एजुकेशन, ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं यहाँ पे कहाँ मुझे नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा इसको मैं सर्च करके आपको दिखा देता हूँ कि आपके जो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने आज देख रहे हैं। ये 2009 की है, ठीक है। इसमें आपके पास है एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल जो है ना इसको हम डकार फ्रेमवर्क फॉर एक्शन भी कहते हैं। ये डकार जगह का नाम है, एक शहर का नाम है, सीनीगाल का शहर है। इसमें आपके पास 2000 में जनाब यूएनओ की ये एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे जनाब एजुकेशन एक्शन फ्रेमवर्क बनाए गए थे, उसके 6 पॉइंट थे। ये 6 पॉइंट का सिर्फ आपने नाम याद करें, यहाँ पर मैंने लिख दिए, ठीक है, सिर्फ 6 पॉइंट्स के आपने नाम याद करने हैं। उसके बाद अगर आपके पास आते हैं जी मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स, ये मिलीनियम डेवलपमेंट गोल जो है ना ये भी 2000 में इसकी जनाब इसकी भी हुई थी, सबमिट हुआ था, ठीक है। तो मिलीनियम गोल्स आपके पास 8 होते हैं, ये 8 के 8 मैंने लिखे हुए हैं, इनके आपने सिर्फ नाम याद करने हैं। पूछेगा आपसे पेपर में कि बताएं जी मंदरजा जैल में से या फॉलोइंग कौन सा जो मिलीनियम गोल में शामिल है, आप एक इनमें से दे देगा, 3 कोई और पॉइंट्स लिख देगा, या वो कहेगा बताएं मंदरजा जैल में कौन सा शामिल नहीं है, तो इनमें से 3 दे के एक और कोई इसमें ऐड करके तो आपकी एमसीक्यूज बना देगा। फिर आपके पास आते हैं जी 17 किस्म का आके सस्टेनेबल मिलीनियम गोल, ये नीचे आपके पास है सस्टेनेबल मिलीनियम गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ना सस्टेनेबल, ये आपके पास 2015 में आए थे, ये 17 हैं, ये टोटल आपके पास 17 हैं। ये जो आपके पास है
ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं इनकी डेडलाइन 2015 थी, तो 2015 तक ये अचीव नहीं हो सके, तो फिर 2015 में इनकी जगह पे सस्टेनेबल मिलेनियम गोल 2030 के टारगेट तय रखे गए हैं। मीन के जो सस्टेनेबल मिलेनियम गोल्स हैं इनको हमने अचीव करना है 2030 तक। ये इंटरनेशनल है, यूएनओ की तरफ से सारी दुनिया के लिए, ठीक है। तो ये 17 है आपके पास, ये कितने हैं 17 है, या तो इनकी तादाद पूछ लेगा या इनके नाम अगर आपने देख लेने, ये 17 के 17 हमने लिख दिए हैं, ठीक है जी। और बाकी जो दूसरी बात आपने जो क्लियर करनी है वो यह है कि जितनी भी आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज मैंने पढ़ाई हैं, इसमें मैंने आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और आपके पास जो है ना ये जो आपके पास हायर एजुकेशन, ये मैंने सेपरेट सेपरेट सारा को लिख के आपको दिया था, ठीक है जी। इसमें आपके पास जो है ना, आपके पास जो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अगर मैं दिखा सकूँ तो ये मेरे पास है जी, ये मैंने आपके पास जो है ना इसको ये जो हायर एजुकेशन मैंने लहदा लिखा था इसमें, और इसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन लहदा लिखा था, प्राइमरी एजुकेशन हर पॉलिसी के मैंने लहदा लिखा था। तो यहाँ पे आपने जो सेकेंडरी एजुकेशन है ना इसको लाजमी आपने कर लेना है, क्योंकि आपको पता है आपका जो पेपर है वो आपका पेपर SST का है, सेकेंडरी स्कूल टीचर का है, तो आपका जो असल जो डिपार्टमेंट है वो सेकेंडरी एजुकेशन है। तो सेकेंडरी एजुकेशन के बारे से क्वेश्चन आपके आएंगे तो आपने इसको अच्छे तरीके से लाजमी क्लियर कर लेना, ठीक है। ये दो चार बातें थी आज के जो अब जो मैंने आपको स्टार्ट में बतानी थी। नेक्स्ट जो आज हमने पढ़ना है वो आज आपके की पॉइंट्स हैं। ये की पॉइंट्स 40 के 40 अगर आप कर लेते हैं तो आपका इंशाल्लाह ताला सारे का सारा ये आपका जो टॉपिक था नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज वाला वो सारा आपका कवर अप हो जाएगा, ठीक है जी। तो मैं आपको वो बारी बारी जो है वन बाई वन करवा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम इंग्लिश भी आज पढ़ेंगे। तो ये की पॉइंट्स आपके पास हैं। सबसे पहले की पॉइंट्स आपके पास, तीन पॉइंट सिर्फ आपके पास है नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 वाली। इसमें सबसे पहले आपने ये बात याद करनी है, जब पाकिस्तान की सबसे पहली नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 में हुई थी, ये जनाब 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक 1947 तक हुई थी और ये कराची में हुई थी, ठीक है जी। इसको हेड किया था फजल रहमान, एजुकेशन मिनिस्टर थे उस वक्त फजल रहमान, ठीक है जी। और इसमें रिकमेंडेशन क्या हुई थी, जब आपके पास काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड और एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ये इसकी रिकमेंडेशन थी, ठीक है। इनके वजह से क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है कि बताएं जी आपके पास काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, ये कौन सी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसको जनाब रिकमेंड किया गया था, तो नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 में इसको रिकमेंड किया गया था। ये तीन पॉइंट्स इसके आपने क्लियर कर लिए। फिर नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 है, इसके वाला जो आपने क्वेश्चन करना है, ये आपके पास 4 से लेकर 8 तक तकरीबन ये 5 पॉइंट सिर्फ आपके बनते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट आप याद करेंगे कि जनाब ये जो नेशनल एजुकेशन कमीशन था ना, ये जनाब इसकी रेजोल्यूशन पास हुई थी 30 दिसंबर 1958 को, 30 दिसंबर 1958 को नेशनल असेंबली में इसकी रेजोल्यूशन पास हुई थी, और उसको जनाब 1959 में इसको इनॉग्रेट किया था, इफ्तिताह किया था जनाब जनरल मोहम्मद अयूब खान साहब ने, और इसको हम SM शरीफ कमीशन भी कहते हैं। क्यों, कि इसका जो नेशनल एजुकेशन कमीशन 59 है ना, इसको हेड किया था SM शरीफ बंदा जो था जो मुस्लिम लीग का, इसने जनाब इसको हेड किया था, इसलिए इसको हम शरीफ कमीशन भी कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये जो नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 या शरीफ कमीशन जो है, इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 1960 में, ठीक है जी। और इसके बाद ये जो स्लोगन है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछता है वो, नो सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज बेटर देन द टीचर हु सर्व इट, ठीक है जी। तो ये जो है ना, ये इसका स्लोगन था, कहता जी बताएं जी ये जो स्टेटमेंट है ये किस कमीशन की या किस एजुकेशन पॉलिसी की है, तो ये 1959 वाले नेशनल एजुकेशन कमीशन या शरीफ कमीशन की ये स्टेटमेंट है। ये आपके पास 5 पॉइंट्स इसके वाले से हो गए, ये आपने कवर करने हैं। उसके बाद आपके पास आ गया जी 1970 वाली पॉलिसी। 1970 वाली पॉलिसी के सिर्फ एक ही बात बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो जी 1970 को जनाब हेड किसने किया था, नूर खान ने किया था इसको नूर खान ने 1970 की पॉलिसी को हेड किया था, बस यही आपने बात याद करनी है। 1972 की पॉलिसी के वाले से आपने क्या बात याद करनी है, जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने जनाब इसको अनाउंस किया था, मार्च 1972 में अनाउंस किया था, और जुल्फकार अली भुट्टो की वजह से आर्डर से जनाब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 जो प्रिपेयर की गई थी फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे अब्दुल हफीज पीरजादा, ये आपने बात नाम याद करना है। यह जुल्फकार अली भुट्टो साहब का पूछे तो फिर भी ठीक है, अगर वो स्पेसिफिकली जो है ना एजुकेशन मिनिस्टर की बात पूछ रहे तो वो आपके पास है अब्दुल हफीज पीरजादा, ठीक है। आप देखें ना, ये जो आपके पास है ये एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 है, इस वक्त जो पाकिस्तान के जो लीडर थे वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे, लेकिन इसको चेयर किया था फजल रहमान एजुकेशन मिनिस्टर ने। फिर 1959 का वाला जो कमीशन था ना, उस वक्त पाकिस्तान के सरबराह तो जनरल अयूब खान साहब थे, सदर थे, लेकिन इसको हेड किया था SM शरीफ ने। इस तरीके से 1970 जो है ना, 70 को मैं इसको हेड किया था नूर खान ने, ठीक है।
उसके बाद 1972 है ना, 1972 में पाकिस्तान के हुक्मरान तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब है, जो पॉलिसी 1972 की भुट्टो साहब की है, लेकिन इसको तैयार किया था अब्दुल हफीज पीरजादा साहब ने, उस वक्त नेशनल जो ना एजुकेशन मिनिस्टर अब्दुल हफीज पीरजादा साहब थे। तो ये दोनों नाम आपने याद करने हैं, उस हुक्मरान कौन था या उसको हेड किसने किया था, ये दोनों आपने सेपरेट सेपरेट हर पॉलिसी के वजह से नाम आपने याद करने हैं, ठीक है जी। ये क्लियर हो गया आपके पास। उसके बाद आपके पास है 72 की पॉलिसी के वाले से, अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 92 फ्री एजुकेशन वाज रिकमेंडेड अप टू क्लास 10, दसवीं क्लास तक इसको जना फ्री एजुकेशन किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये ग्यारहवां पॉइंट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स वर नेशनलाइज अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 की पॉलिसी में ही प्राइवेट स्कूलों को गवर्नमेंट की तहवील में लिया गया था। दो बंदे हैं, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। ये जो नून लीग है ना, जो नवाज शरीफ साहब की पार्टी है, ये हमेशा अदारों को प्राइवेट करती है, और ये जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब की पॉलिसी थी, ये क्या करती थी, जो प्राइवेट अदारों को भी जो नेशनलाइज करती थी, गवर्नमेंट में तहवील में रहती थी, ठीक है जी। तो ये जहाँ पर भी आपको नजर आ जाएगा नवाज शरीफ साहब की जहाँ भी आपकी पॉलिसी होगी, वहाँ पर यही पॉलिसी होगी कि अदारों को बेच दो, इनको जनाब फरोख्त कर दो, इनको प्राइवेट कर दो। लेकिन जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब की पॉलिसी थी वो यही थी कि जनाब जो प्राइवेट भी हैं इनको भी गवर्नमेंट की तहवील में ले लिया जाए, प्राइवेट टीचर्स को भी सरकारी टीचर बना दिया जाए, ठीक है जी। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 के वाले से ये इंपॉर्टेंट बात थी। फिर जो है ना क्लास 10वीं तक इन्होंने फ्री एजुकेशन की थी। फिर यदि ओपन यूनिवर्सिटी जो है ना, लामाकोल ओपन यूनिवर्सिटी जो है ना, वो भी जनाब 1972 की ही पॉलिसी के तहत बनाई गई थी, और ये बनी थी मई 1974 में जनाब जाके लामाकोल ओपन यूनिवर्सिटी बन गई थी, और ये दुनिया की दूसरी यूनिवर्सिटी थी ओपन यूनिवर्सिटी। जो पहली यूनिवर्सिटी जो थी ना 1969 में जनाब इंग्लैंड में बनी थी, इंग्लैंड में बनी थी, उसके बाद दुनिया में दूसरी ओपन यूनिवर्सिटी जो है ना पाकिस्तान में लामाकोल ओपन यूनिवर्सिटी बनी थी, और ये एशिया की और अफ्रीका की सबसे पहली ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है जी। पहले यूनिवर्सिटी जो है ना सबसे पहली वो यूरोप में बनी थी, उसके बाद अफ्रीका और एशिया में सबसे पहले यही बनी थी लामाकोल ओपन यूनिवर्सिटी 1974 में, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है जी। उसके बाद जी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेशनल बुक बैंक फाउंडेशन, नेशनल रिसर्च फेलोशिप, पाकिस्तान स्टडी सेंटर, ये सारे के सारे रिकमेंडेशन थी 1972 की पॉलिसी के, ठीक है जी, समझ आ गई है। तो आपने क्या चीज़ याद कर ली, कोई भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे से आपने करना है, उस वक्त आपका पाकिस्तान का हुक्मरान कौन था, उसके उस वक्त जनाब आपका जो है ना ये नेशनल जो ना एजुकेशन मिनिस्टर कौन था, उसके बाद उसकी आपने याद करनी है जी सेलेंट फीचर, दो चार जो बातें थी उनके रिकमेंडेशन वगैरह कौन कौन सी है, दो तीन पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, जैसे 1972 के आपने जो प्राइवेटाइजेशन वाली है कि प्राइवेट को उन्होंने गवर्नमेंट तहवील में लिया था, और जनाब ये जो है ना ये ओपन यूनिवर्सिटी भी इसमें बनाई गई थी, और ये जो है ना इसकी जो रिकमेंडेशन थी, रिकमेंडेशन आप ये पूछेगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कौन सी पॉलिसी में आया था, नेशनल बुक बैंक फाउंडेशन की उसकी कौन सी पॉलिसी ने जनाब रिकमेंड किया था, नेशनल रिसर्च फेलोशिप किसने की थी, ये आपने चीजें क्लियर कर लेनी है। उसके बाद आपके पास है 1978 की पॉलिसी, 1978 की पॉलिसी के वाले से जी ये जो आपके पास है मार्शल लॉ रिजीम के वाले से पूछता है कि ये इस्लामाबाद में जनाब इसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी 1977 में, 1978 में ये पॉलिसी आ गई थी, और मार्शल लॉ रिजीम में ये पॉलिसी आई थी, बाकी सारी जो पॉलिसीज हैं वो जमहूरी गवर्नमेंट ने दी है, लेकिन जो मार्शल लॉ था ना ये सदर ज़ियाउल हक साहब का, तो ये उस वक्त ये पॉलिसी बनी थी 1978 में, ठीक है जी। 1978 पॉलिसी मेंटेन दैट एग्जिस्टिंग ऑफ फोर टायर सिस्टम एजुकेशन, नेमली प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये जो चार किस्म की एजुकेशन की उन्होंने क्या किया था, इसको तीन किस्म की एजुकेशन में कन्वर्ट किया था, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को उन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्री, सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ठीक है जी। एलिमेंट्री मीन्स के ये जो आपके पास है ना जी प्राइमरी, सेकेंडरी और कॉलेज, इसको उन्होंने ख़त्म करके एलिमेंट्री, सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी में तीन दर्जाती तालीम में इसको कन्वर्ट कर दिया था, ये 1978 की पॉलिसी की वजह से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर जी क्लास 9th और 10th वुड बी एडेड टू ऑल इंटरमीडिएट कॉलेज, जो 9th और 10th की क्लास थी ना इसको कॉलेज में भेज दिया था, ठीक है जी। और 11वीं और 12वीं को जनाब कौन से स्कूलों में ऐड करके, तो उनको भी हायर सेकेंडरी स्कूल मीन के उनको भी कॉलेज का दर्जा दे दिया था, ठीक है जी। जिन स्कूलों में स्पेस थी उन स्कूलों में 11वीं और 12वीं क्लास को भेज दिया था, और जिन कॉलेजेस में स्पेस थी उनमें 9वीं और 10वीं जमात को भेज दिया था, यूँ उन्होंने कॉलेज और जो हायर सेकेंडरी स्कूल थे ना वो उनको इक्वल कर दिया था। उसके बाद आपके पता अकॉर्डिंग टू पॉलिसी क्लास 9th और 10th वुड बी एडेड टू आर्ड इंटरमीडिएट, ये होगी बात। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1978 मैथमेटिक्स वुड बी इंट्रोड्यूस एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी एजुकेशन पॉलिसी में मैथमेटिक्स को कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया गया था, ये भी 1978 की पॉलिसी थी। फिर अकॉर्डिंग टू पॉलिसी मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ डिग्री कॉलेज वुड बी फिक्स, जो जब डिग्री कॉलेज की स्ट्रेंथ थी उसको फिक्स किया गया था, और डिग्री कॉलेज वुड हैव ओनली 13वीं और 14वीं क्लास,
थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की क्लास ही सिर्फ डिग्री कॉलेज में होगी, बाकी सारे के सारे क्यों होगी, वो इसके नीचे इंटर कॉलेज होंगे, उसके ऊपर जो ना डिग्री कॉलेज 13वीं और 14वीं जमात, और उसके ऊपर जो ना आपके पास यूनिवर्सिटी होगी जिसमें एमए एमएससी बीएस वगैरह होगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास है जी 1978 की पॉलिसी है। फिर 1992 की पॉलिसी के बाद से जो क्वेश्चन बनते हैं ये है जी आपके पास है एफिडेफिस ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1999 हैज बीन स्ट्रक्चर्ड ऑन द बेसिस ऑफ गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। नवाज शरीफ साहब ने इसको गाइडलाइन किया था 10 फरवरी 1991 को। प्राइम मिनिस्टर एंड फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर अनाउंस द पॉलिसी 20 दिसंबर 1992 को। जनाब 20 दिसंबर को मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने एजुकेशन मिनिस्टर के साथ इसको अनाउंस किया था। अकॉर्डिंग 1992 पॉलिसी डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन प्राइवेट सेक्टर वुड बी एनकर्ज, ये वही बात आ गई, ठीक है जी। 1972 की पॉलिसी में जनाब क्या किया गया था, प्राइवेट को गवर्नमेंट किया गया था, और जब ये मियां साहब आते हैं ये क्या कहते हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट को प्राइवेट करते हैं, ठीक है जी, इन्होंने इसको एनकर्ज किया था। उसके बाद जी अकॉर्डिंग टू 1992 पॉलिसी कुरान नाजरा विल स्टार्ट फ्रॉम क्लास वन, नाजरा कुरान जो है ना ये 1992 की पॉलिसी में ऐड किया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल SMC स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल भी 1992 की पॉलिसी में ही बनाई गई थी। फिर 1998 की पॉलिसी है, इसमें जी 31 जनवरी 1998 को जनाब ये कैबिनेट से जनाब मंजूर हुई है, ठीक है। उसके बाद 21 फरवरी 1998 को जनाब ये जो ना ये इसको ऐलान कर दिया गया था, ठीक है। कैबिनेट से मंजूरी 21 जनवरी को हुई थी और एक महीने के बाद इसका ऐलान कर दिया गया था। इसकी सिर्फ यही क्वेश्चन बनते हैं। 2009 की जो पॉलिसी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके वजह से क्वेश्चन आपने याद कर लेने हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009 इज द लेटेस्ट सीरीज, या सबसे आखिरी ये है, ठीक है जी। द रिव्यू प्रोसेस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज इनिशिएटेड 2005, जो आपके पास 98 की असल में 2009 की जो पॉलिसी है ये 1998 वाली पॉलिसी की ही रिव्यू है, उसी का ही रिव्यू करके उसको नया उसको नई शक्ल दी गई थी। तो ये 2005 में उसका रिव्यू शुरू हो गया था, ठीक है जी। एंड द फर्स्ट पब्लिक डॉक्यूमेंट वाज वाइट पेपर वाज फाइनलाइज 2007 में वाइट पेपर जारी कर दिया गया था 1998 की पॉलिसी के हवाले से, ठीक है जी। फिर जना डकार फ्रेमवर्क की वजह से और मिलीनियम गोल्स, ये दो बेसिक वजूहत थी जिसकी वजह से 1998 की पॉलिसी को रिव्यू किया गया था, ठीक है जी। ये डकार फ्रेमवर्क क्या है और मिलीनियम सस्टेनेबल गोल्स क्या है, मैंने ऊपर आपको बता दिए, ये बड़ी डिटेल से मैंने ऊपर लिख दिए हुए हैं, आपने कर लेना, ठीक है जी। ये आपके पास डकार फ्रेमवर्क, मिलीनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये आपने क्लियर कर लेने हैं। डकार के 6 पॉइंट्स हैं, मिलीनियम के आपके पास 8 पॉइंट्स हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के आपके पास 17 पॉइंट्स हैं। और ये जो आपके पास है डकार की जो आपके पास है डेडलाइन 2015 थी, मिलीनियम डेवलपमेंट गोल की भी 2015 थी डेडलाइन, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की डेडलाइन जो है 2030 है। 2030 तक ये वाले अपने टारगेट्स हैं अचीव करने हैं, कौन कौन से टारगेट्स हैं ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी ये है जी आपके पास आफ्टर 2015 मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स आर सक्सीडेड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये मैंने ऊपर बात आपको कह दी है कि जो मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स को उनको रिप्लेस किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ने, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था, ठीक है जी। उसके बाद 2009 में क्या किया गया था, 11वीं और 12वीं क्लास को जनाब उसने 11वीं शैल नॉट बी पार्ट ऑफ कॉलेज, उन्हें क्या था 11वीं और 12वीं क्लास को कॉलेज लेवल से वापस ले जाकर स्कूलों को दे दिया जाएगा, ठीक है जी। ये 2009 की पॉलिसी है लेकिन अभी तक इसमें इंप्लीमेंट नहीं हो सका, ठीक है। 11वीं और 12वीं क्लास को कॉलेज से हटा के वापस स्कूल में ला दिया जाएगा, सारे स्कूलों को क्या कर दिया जाएगा, हायर सेकेंडरी स्कूल कर दिया जाएगा, ठीक है जी। शैल बी मर्ज विद द स्कूल लेवल फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग स्कूल सेकेंडरी स्कूल, ठीक है जी। उसके बाद है टू क्रिएट एन ऑर्डर टू एक्सीलेंट ऑर्डर फॉर एक्सीलेंट इन कंट्री नेशनल मेरिट प्रोग्राम, ये भी 2009 की पॉलिसी में ही जनाब इसमें रिकमेंड किया गया था। उसके बाद आखिर था लाइफ स्किल्स बेस्ड एजुकेशन LSBE, ये जो आपके पास है इसको आपने एब्रीवेशन के लिए अच्छे तरीके से याद कर लेना, एब्रीवेशन इसकी आ सकती है। प्रोविंस एंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट शैल एलोकेट मिनिमम 4%, ये इंपॉर्टेंट है। 2009 की पॉलिसी में जनाब ये जो आपके पास है जो तमाम सूबों को तमाम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को पाबंद किया गया था कि आपने लिटरेसी और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए जो है ना नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन के लिए 4% आपने फंड रखना है, 4% पूछ सकता है। NFBE इसकी एब्रीवेशन भी पूछ सकता है। अरेंजमेंट शैल बी मेड टू यूज स्कूल बिल्डिंग्स फॉर अडल्ट लिटरेसी आफ्टर स्कूल आर, स्कूल के बाद जो है ना अडल्ट लिटरेसी के लिए भी ये 2009 की ही पॉलिसी थी, आफ्टरनून स्कूल जिनको हम कहते हैं। नेशनल एजुकेशन फाउंडेशन NEF जो है ना ये जो इसकी एब्रीवेशन भी आपने याद कर लेनी है, ठीक है जी।
उसके बाद लाइफ स्किल्स बेस्ड LSBE, ये भी आपने इसको इसकी एब्रीवेशन क्लियर कर लेनी है। तो यू आपके पास ये 40 पॉइंट्स बनते हैं आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज के वाले से। अगर आप ये 40 पॉइंट्स याद कर लेते हैं तो आपका इंशाल्लाह नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज के वाले से कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा, ठीक है जी। उसके बाद हमने करना है जी इंग्लिश को भी आज थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे साथ इसके, ठीक है। इंग्लिश मैंने नीचे आपको लिखी है, इंग्लिश के हमने पहले वोकैबुलरी करेंगे उसके बाद इसकी जो है ना ग्रामर की तरफ हम मूव करेंगे। इंग्लिश की वोकैबुलरी में मैंने आपके जो वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन थोड़े से लिखे हैं, ठीक है। ये बेसिकली इंग्लिश को हमने वैसे तो याद ही करना होता है, लेकिन कुछ थोड़े बहुत इसमें ट्रिक होते हैं, टिप्स वगैरह होती हैं जो जिनको आप यूज़ करके उनको याद कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। वो है जी आपके पास है जो सोमनाम्बलिस, सोमनाम्बलिस जो है ना ये जो सारे मैंने लिखे हैं ना आज, ये मैंने ये लिखे हैं ये मुख्तलिफ तबीयत के इंसानों के वाले से नाम लिखे हैं, मुख्तलिफ इंसानों के जो उनकी जो उनकी उनकी जो आदत होती है ना, आदत की वजह से जो इंसान का नाम रख लिया जाता है ना, वो ये सारे इंसानों की टाइप्स हैं, ठीक है जी। वो मैंने लिखी हैं, चलो सोमनाम्बलिस जो है ना नींद में चलने वाला इंसान होता है, कैलस होता है संगदिल इंसान होता है जो इनसेंसिटिव एंड क्रूअल होता है, ठीक है। इनविंसिबल, अब यहाँ पे इन का लफ्ज आ जाए ना इन स्टार्ट पे आ जाए ना, इन आम तौर पे किसी भी जब नाउन के स्टार्ट में आता है, ये आमतौर पे मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये कोई रूल नहीं है, ठीक है। ये आपके पास है इन, जहाँ पे भी आ जाएगा किसी भी नाउन से पहले तो इन का मतलब आ जाएगा नॉट, इनका मतलब क्या होता है जी नॉट। इनविंसिबल मीन के जिसको शिकस्त दी जा सकी हो, और इनविंसिबल ऐसा बंदा जिसको हम शिकस्त नहीं दे सकते, नाकाबले तस्खीर जिसको बोलते हैं। इनकोरिजिबल होता है करेक्टनेस है, जिसकी हम इसलाह कर सकें, और इनकोरिजिबल होता है जिसकी इसलाह ना की जा सके, नाकाबले इसलाह इंसान होता है। उसके बाद इनक्रेडिबल होता है जिसका कोई क्रेडिट होता है, कोई क्रेडिबिलिटी किसी बंदे की होती है ना, ठीक है, जिस पर हम कोई यकीन कर सकते हैं, और इनक्रेडिबल वो बंदा था जिसके ऊपर कोई यकीन नहीं कर सकता। उसके बाद इम्पार्शल होता है पार्ट से, पार्ट कहते हैं किसी का हिस्सा बन जाना, तो इम्पार्ट होता है जो किसी का हिस्सा नहीं बनता, जो बंदा जो ना गैर जानबदार रहता है वो किसी भी पार्टी में अपना हिस्सा नहीं डालता, वो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनता, वो गैर जानबदार रहता है, वो इम्पार्शल होता है। उसके बाद आपके नोटोरियस है बदनाम इंसान, ठीक है, जिसकी रिप्यूट अच्छी नहीं होती। बैंकक्रप्ट होता है दिवालिया जो अपने जो ना जो डेबिट्स को पे नहीं कर सकता। उसके बाद इनइमिटेबल का क्या मतलब है, इमिट का मतलब होता है किसी की नकल करना। तो इनइमिटेबल जिसको जो मुनफरिद बना जिसकी कोई आम शक्ल या उसकी हम नकल नहीं कर सकते, नाकाबले नकल होता है, ठीक है जी। उससे स्ट्राइक होता है गैर जज्बाती इंसान जो जिसको जनाब कोई पेन या प्लेयर में कोई जज्बात उसके नहीं होता, फीलिंग लेस बंदा होता है जो, ठीक है जी। थीस होता है दीनदार और एथीस। अब जब किसी नाउन के सामने स्टार्ट पे ए भी आ जाएगा ना तो ए भी नाट की फॉर्म में चला जाएगा। थीस होता है जो मजहब से लगाव रखने वाला दीनदार बंदा होता है, और ए थीस बंदा होता है जो दीन से दूर होता है, बेदीन होता है। अब ये जो आपके पास है ना ए थीस और पैगन, ये आपस में सिनोनिम्स के तौर पर यूज होते हैं, ये पेपर में बड़ी दफ़ा मैंने देखा है। ए थीस होता है बेदीन और पैगन होता है काफर, ठीक है। इसके वाले से भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है वो, ठीक है जी। फनेटिक कहते हैं इंतहा पसंद इंसान को। उसके बाद एनानमस होता है गुमनाम इंसान को एनानमस कहते हैं। ये सारी वोकैबुलरी आपने याद करनी है। पैगन कहते हैं काफर को, एग्नास्टिक कहते हैं जी खुदा के बारे में जो मशकूक होता है। अब एथीस्ट और एग्नास्टिक भी आपस में आ सकते हैं, ठीक है जी। पैगन और एग्नास्टिक भी आपस में सिनोनिम आ सकते हैं। फिर आपके पास है जी फैटलिस्ट होता है तकदीर प्रस्त, जिसको अपनी फेट के ऊपर जो आप तकदीर के ऊपर जो ईमान रखता है। उस वक्त कैनिबल होता है आदमखोर इंसान जो लाशों को खाते हैं, मुर्दा इंसानों को। इगोइस्टिक ईगो प्रस्त जो अनाप्रस्त बंदा होता है, ठीक है जी। ओमनी कॉम्पिटेंट। अब जो ओमनी का लफ्ज है ना ओमनी, ये भी एक लफ्ज होता है ओमनी। ओमनी का मतलब होता है ऑल, ठीक है जी। अब ओमनी कॉम्पिटेंट कॉम्पिटेंसी क्या होती है, कॉम्पिटेंसी होती है किसी भी चीज़ को काम करने की सलाहियत। अब ओमनी कॉम्पिटेंट क्या बन गया, हर फन मोला ऐसा बंदा जो सारे काम कर सकता है, कॉम्पिटेंसी होती है ना काम करने की सलाहियत, और ओमनी कॉम्पिटेंट क्या हो गया, जो तमाम काम कर लेता है। फिर ओमनी प्रेजेंट, अब प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूदगी, और ओमनी प्रेजेंट क्या बन गया जी, जो हर जगह पे मौजूद होता है। ओमनी पोटेंट होता है जो पोटेंशियल से निकला, पोटेंशियल कहते हैं ताकत को, फलां बंदे का बड़ा पोटेंशियल है, ठीक है, काम करने का बड़ा पोटेंशियल है। इसी तरीके से पोटेंट कहते हैं ताकत को, और ओमनी पोटेंट कहते हैं जी वो जिसकी सारी ताकत है, बेहद ताकत है, ठीक है जी। उसके बाद होता है ओमनीसियंट। अब सियंट निकला साइंस कहते हैं जी, जो साइंटिस्ट होता है जिसके पास इलम होता है, ओमनीसियंट जिसको तमाम चीज़ों का पता होता है, ठीक है जी। उसके बाद ओमनी एमआरएस
ओमनी अमोरस जो है ना, ओमनी अमोरस होता है जो अमोरस बंदा होता है जो जो हर किसी से जो इसको हम कहते हैं एवरग्रीन, इसको एवरग्रीन भी कहते हैं, जो हर किसी के साथ खुश मजाजी के साथ रहता है, हर किसी के साथ मोहब्बत करता है, ठीक है जी। तो अमोरस, तो ओमनी अमोरस जो हर किसी के साथ अनकंडीशनल मोहब्बत कर रहा है वो ओमनी अमोरस होता है। और जो ओमनी का लफ्ज़ होता है ना, ओमनी का लफ्ज़ आमतौर पर अल्लाह ताला के लिए यूज़ होता है, ओमनी का लफ्ज़ आमतौर पर अल्लाह ताला के लिए यूज़ होता है। वैसे आमतौर पर हम इंसानों के लिए भी कर देते हैं, लेकिन ये ओमनी का जो जो बेसिकली लफ्ज़ है, ये तमाम जो खसूसियात होती है ना, हर जगह मौजूद, सब कुछ जानने वाला, हर फन मौला, बेहद ताकत वाला, हमागिरी, ये सारे के सारे कौन से हैं, ये अल्लाह ताला की ही सिफात हैं, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि आपको इंग्लिश का भी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, तो जी आपने इंग्लिश का भी साथ क्लियर करना है और साथ आपने ऊपर वाला भी जो ना पैडागोजी भी क्लियर करनी है। और कल इंशाल्लाह ताला आपका टेस्ट भी हम लाजमी अब रखेंगे, हमने 2-3 पिछले लेक्चर जो है टेस्ट हम नहीं कंडक्ट कर सके, तो अब हमने डेली आपका टेस्ट भी कंडक्ट करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।